अरे इस पे देखो आप, फुलार लगने बैठ गए हैं और इस पे कुछ कीड़े भी लगे हुए हैं भाई, काटो। तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ से ना हमारा पूरा मोहल्ला दिखाई देता है, पूरा अच्छा व्यू, मतलब जितने भी हमारे पूरे परिवार है ना वो सब यहाँ पर से दिखाई देते हैं। तो अभी यहाँ घर पे मेहमान भी आने वाले हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और यहां पे है अपना एक छोटा सा खोला मोहल्ला। और अभी अभी नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैंने वीडियो की शुरुआत भी कर ली। तो अभी सुबह का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और साथ में बहुत दिनों बाद पीछे बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो लगभग वहां ना हमेशा बारिश ही रहती है या तो पूरा कोहरा ही रहता है लग रखा, लेकिन आज बहुत दिनों बाद दिखने बैठ गए। तो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है भाई गांव का आजकल, और यहाँ इस साइड पहाड़ों का आजकल। और बाकी वैसे दो दिन से बारिश हुई नहीं है, हमारे गांव साइड हुई नहीं है, लेकिन आगे तो भाई मध्यमेश्वर साइड तो बारिश हुई है। और एक और चीज दिखाता हूँ आपको मैं, तो घरी के बगल पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा मिर्च का ना ये खेत है, और इसी के बगल पे है ककड़ी का। और इस पे देखो आप, फुलार लगने बैठ गए हैं और इस पे कुछ कीड़े भी लगे हुए हैं भाई, काटो। तो यहाँ देखो आप, अब मतलब कुछ टाइम में अब ककड़ी खाने के लिए होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे भी फूल लगा हुआ है, इस साइड भी देख सकते हो, यहाँ पे भी फूल लगा हुआ है इस साइड। ये देखो यहाँ पे फूल लगने बैठ गया है। और वैसे वैसे देखो बेल ऊपर जाने बैठ गई है इस वाले स्वटगे पे, ये देखो आप, और काफी इतना बड़ा स्वटगा है तो पूरे ऊपर तक जाती है बेल, तो बहुत ऊपर तक, ये देखो आप। तो अब ना शायद कुछ टाइम पे ककड़ी खाने के लिए भी हो जाएगी, वैसे अभी नहीं होती है, लगभग एक महीने या डेढ़ महीने बाद तो हो जाएगी, फूल लगना स्टार्ट हो गए। लेकिन इन फूलों का पता है क्या सीन होता है, वैसे फूल लगना तो स्टार्ट हो गए लेकिन ये ना जल्दी झड़ जाते हैं, कीड़े इनको तोड़ देते हैं या ऐसे ही हो जाता है। लेकिन जब काफ़ी बड़ी हो जाती है ना बेल, तो तब ककड़ी लगती है। और कुछ ऐसा है भाई यहाँ पर ककड़ी की बेल। और साथ में यहीं बगल में देखो, इस मिर्च पे भी ना यहाँ पे फूल लगने बैठ गए हैं, ये देखो आप, छोटे छोटे फूल लगने स्टार्ट हो गए हैं इन मिर्च के पौधों पे भी। अब इसके बाद तो भाई इतनी सब्जियों का मौसम होता है ना, इतनी ज्यादा कि क्या ही बताएं, बहुत ही ज्यादा। और अभी यहाँ पे रखा है प्याज सुखाने के लिए, और अभी दोपहर का टाइम है, तो अब गाय को अंदर बांधने का टाइम हो जाता है, क्योंकि आजकल ना धूप भयंकर वाली आ जाती है, तो 10:30 लगभग 11 बजे गाय को अंदर बांधते हैं। बाकी आपको थोड़ा बहुत अपने गौशाला साइड भी घुमाते हैं, तो चलो चलते हैं। और यहाँ देखो रास्ते के बगल में ना, ये यहाँ पे है ककड़ी की बेल, और यहाँ पे है पूरे आलू के खेत, ये देखो आप, पूरे आलू की सब्जी यहाँ पे बोर के, आलू हो गया और बीन्स छे में, और यहाँ पे ये टमाटर के भी है थोड़ा बहुत पौधे एक दो। और अब कुछ टाइम में भाई आड़ू भी खाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दो आड़ू के पेड़ यहाँ पे, तो चलते हैं भाई। और अभी ताई जी के घर पे आया था मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ना हमारा पूरा मोहल्ला दिखाई देता है, पूरा अच्छा व्यू, मतलब जितने भी हमारे पूरे परिवार है ना वो सब यहाँ पर से दिखाई देते हैं, मतलब पूरा एक ही साथ यहाँ पर से कवर हो जाता है। तो ये है अपना पूरा मोहल्ला, बाकी यहाँ पर से गौशाला साइड चलते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे। तो अभी अपनी गौशाला साइड आ गया हूँ, और यहाँ की एक अच्छी बात है कि जितने भी लोगों की गौशाला है ना, सब एक साथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी है, ऊपर यहाँ पे दादी लोगों की है, यहाँ पीछे भी दादी लोगों की है, और नीचे भी यहाँ पे दो चाची लोगों के हैं, यहाँ नीचे देख सकते हो आप। और गौशाला की एक और अच्छी बात कि यहाँ ना सारे जितने भी मतलब सब्जियाँ बोई जाती हैं, जो मेन मेन सब्जियाँ जैसे कद्दू हो गया या ककड़ी हो गया या बीन्स हो गया या मिर्च के पौधे हो गए, वो सब यहीं लगाए जाते हैं, और काफ़ी सही रहता है भाई गौशाला साइड, क्योंकि गोबर हो जाता है और जल्दी जल्दी डालने के लिए हो जाता है। तो इस साइड देखो आप, पूरी इस जगह सारी सब्जी सब्जी लगा रखी है सब, इधर भी। और यहाँ से आपको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, नीचे तक थोड़ा बहुत आपको और नीचे तक दिखाते हैं कि कहाँ तक यहाँ की गौशाला है।
अभी दोपहर के टाइम पे ना गाय भैंसों को पानी दे करके लोगों ने अंदर अंदर लगा दिए। यहाँ पे भी देखो, और ऐसा कुछ बनाया रहता है भाई, ये देखो आप जो पुराने कपड़े होंगे ना उससे बनाया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे भैंस रहते हैं ताकि उसको ना ज़्यादा धूप ना हो और आराम से छांव बनी रहे। तो ये देखो आप, ऐसा कुछ है। यहाँ पे भी एक आड़ू का पेड़ है दादी लोगों का, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे पूरी बीन्स हो गया और ये हरी सब्जी है। और इस सब्जी की एक खासियत ये होती है कि इस पे ना पे कीड़े भी नहीं लगते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जब ना हरी सब्जी जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो उस पे कीड़े लग जाते हैं, लेकिन इस वाली पे नहीं लगते हैं, ये वाली। इसका नाम मेरे को नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताना, मैं थोड़ा आपको ना नजदीक जाके दिखाता हूँ। ये वाली देखो आप, इन वाले पे कीड़े नहीं लगते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। इस जगह पे यहाँ पे देखो, इस बीन्स पे भी ना छोटे छोटे फुलार लगना स्टार्ट हो गया। तो अब कुछ टाइम पे ये भी खाने के लिए जाती है ये बीन्स, यहाँ पे देखो आप। और फिर यहाँ पे ये रामदाना है, इसकी बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी बनती है, साग बनता है। तो ऐसा कुछ है भाई, और नीचे चलते हैं थोड़ा। तो ये तो था इस साइड, बाकी इस साइड देखो आप, और इस साइड भी यहाँ पे पूरे यहाँ पे ना हल्दी लगाई हुई है। ये देखो आप, ये चौड़े चौड़े पत्ते हैं ना जिसके, वो है हल्दी के। और इसी के नीचे पे यहाँ पे ये भी यहाँ पे मिर्ची की डालियाँ, ये नीचे देखो आप। तो पूरे इस जगह भी यहाँ से और वहाँ तक पूरी मिर्ची लगाई हुई है। इसी के नीचे साइड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हैं ये केले के पेड़। ये देखो अभी केले भी लगे हुए हैं इन पे तो बहुत सारे। ये देखो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इस बारी बहुत केले हो रखे हैं। ये यहाँ पे हो गया, और इस जगह भी यहाँ नीचे पे ये भी दायल होगा, पूरा केले का पेड़ है। और हमारे केले के पेड़ ना आगे हैं। ये है इस जगह की लास्ट वाली गौशाला यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी गौशाला है, बाकी यहाँ पे भी जितने भी ये पेड़ है ना, यहाँ पे ये आड़ू के पेड़ हैं, इस साइड भी आड़ू के हैं। बाकी यहाँ पे खेती की गई है, तो यहाँ पे हल्दी लगा रखी है। और ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है कद्दू की बेल, ये देखो आप, ये कद्दू की हो गया। और यहाँ पे देखो पूरी बीन्स लगाई हुई है यहाँ से पूरे। तो ऐसा कुछ माहौल है भाई, ये देखो आप। यही रास्ते के बगल में देखो यहाँ पे पुदीना, ये देखो पूरा। और पुदीना तो आप ना कहीं भी मतलब पानी की जगह पे लगा दो, एक छोटा सा अगर आपने पौधा भी लगा दिया ना तो इतना ज्यादा फैल जाता है, मतलब खाली इतना छोटा लगाया था और इतनी बड़ी झाड़ी हो रही है ना पुदीना की, पूरे यहाँ से वहां तक। तो फाइनली नीचे के गौशाला के सारे काम खत्म करके घर पे आ गया हूँ, और इतनी भयंकर वाली धूप हो रही है ना भाई। अच्छा हुआ टाइम पे सब गाय भैंसे अंदर बांध दी। तो फाइनली अभी दोपहर का खाना भी कंप्लीट हो गया है, और मम्मी और छोटी बहन गई थी आज आगे इस साइड, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर मतलब पीछे की साइड हमारे खेत है, तो वहाँ गुड़ाई करनी थी, गुड़ाई वगैरह करनी थी, गुड़ाई हो गया, निड़ाई हो गया, ये सब चीज करना था वहाँ। तो मम्मी और छोटी बहन वहाँ गई थी, तो वो भी घर आ गई थी, और खाना बनाने की ड्यूटी आ मेरी थी, तो मैंने खाना खुना बना करके भैया, और अभी सब लोगों ने खा दिया। बाकी आज हमारे घर में दो मेहमान आने वाले हैं, एक को तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन दूसरे भाई जी भी आ रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे वो। अभी वो लोग रांची में, तो यहाँ पर आएंगे और फिर मिलाएंगे आपको उनके साथ। तो फाइनली जिन मेहमानों की बात कर रहा था मैं, वो है यहाँ पे अपने एजे मालन भैया और कुल पहाड़ी भाई। तो भैया अभी आज ऐसे ही आए थे घूमने के लिए यहाँ पे, और भैया गए भाई के घर नीचे, तो वहां गए थे ये लोग घूमने के लिए। और तो अभी इस टाइम भैया लोगों को मैंने जूस पिलाया, और इसके बाद हम लोग रांची चलते हैं, और फिर मिलते हैं आपको, फिर आपको ढंग से मिलाते हैं दोनों से। थैंक यू जूस के लिए। तो भैया लोगों को जूस पिला करके भैया को बोल दिया था कि यही रहो आप, लेकिन इनका कुछ काम है कि ये घर जा रहे हैं। बाकी इनका भी एक यूट्यूब चैनल है एज ए हिमालयन नाम करके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग सब्सक्राइब करो भाई को। भाई भी पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो बनाते हैं और पहाड़ी कल्चर को दिखाते हैं हमारी तरह, तो मस्त सा सपोर्ट बनाना भैया को और सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी भैया तो जा रहे हैं हम घर, अपने घर, और मैं और दीपक भाई जाएंगे रांची, थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर देखते हैं कि किस टाइम घर का प्लान बनता है, बाकी चलते हैं। तो भैया की गाड़ी यहीं ऊपर रोड में खड़ी करी हुई थी, और पहले भैया जाएंगे आगे पे हेलमेट लेने के लिए, वहाँ दुकान में हेलमेट रखा है, और बाकी उसके बाद भैया जाएंगे इस साइड और हमें जाना है उस साइड। फाइनली अब भैया को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, तो भैया भी जाएंगे घर आगे चोपता साइड, और हम दोनों भी चलते हैं अब।
आगे रांची की साइड घूमने के लिए। तो भैया अच्छा लगा आपसे मिलके, बस सही ठीक है। ओके।